नमस्कार योकार, म्हजें नांव ऐश्वर्या संतोष च्यारी आनी तुमी पळयता प्रुडंसचो ब्रँड न्यू प्रोग्राम वॉच कुकींग. आयज आमी आसा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट फोंडा हांगा. तुमकां खबरूच आसतलें, जेन्ना आमच्या वाठारांत एक रेस्टॉरंट ओपन जाता तेन्ना आमची इत्सा जाता की केन्ना वयतली आनी वेगवेगळे डिशीज आमी ट्राय करतली. आनी ते डिशीज ट्राय करतकूच एक मनांत विचार येता की हे रेस्टॉरंट स्टायल डिशीज आमी घरांत केन्ना करूंक शकतली. ताच्याच खातीर प्रुडंटान तुमच्या मुखार हो वॉच कुकींग प्रोग्राम दवरला, जेतूर तुमी वेगवेगळे रेस्टॉरंट स्टायल डिशीज शिकतली. चलात तर मुखार सरया. आयज आमच्या मदीं आसा पॅन अरोमा रेस्टॉरंटचे शेफ राजू पात्रो. वेलकम शेफ. वेलकम. सो आज हमें कौन सी दो नई डिश सीखने को मिलेगी? आज आपको दोनों नई डिश है, मशरूम डबल डेकर. मशरूम डबल डेकर और स्टफ क्रैब. ओके, स्टफ क्रैब्स. सो पहला डिश देखते हैं. पहला डिश है मशरूम डबल डेकर का डिश है. ओके, उसके लिए जो मेरे को जरूरत है मैं सभी इसमें से ले चुके हैं. सब मतलब एक थाली में ले चुके हैं. ओके, इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसमें से है वेजिटेबल चॉप. ओके, इसमें क्या क्या डाला है? इसमें फ्लावर है, बीन्स है और गाजर है. ओके, ऑनियन की चॉप है. ओके, और मिर्ची चॉप है, धनिया चॉप, पनीर, चीज़ एंड मशरूम. ओके, उसके लिए जो मसाला ज़रूरत है मेरे को, सॉल्ट, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर एंड वाइट पाउडर और ब्रेड क्रम. और जो सॉस रहेगा, सॉस में पेरी पेरी सॉस और मेयोनीज सॉस है. ओके, चलिए तो मेथड के लिए आगे जाते हैं. सबसे पहले लेंगे हम वेजिटेबल. इसमें आपने तीन तरह की वेजिटेबल्स तीन तरह की वेजिटेबल. सो तुम्ही पाहू शकता की त्यांच्यानी वेजिटेबल्स तीन तरेचे घेतला. पहिले म्हटल्या गाजर, सेकंड म्हटल्या फ्लावर आणि थर्ड म्हटल्या वाल पापडी. त्यांचे बारीक पीसेस करून त्यांच्यानी वेजिटेबल्स एकीकडे केला. दो से तीन स्पून चॉप लेंगे आप ऑनियन चॉप, आधा स्पून आपण ग्रीन चिली लेंगे, ग्रीन चिली, एक स्पून धनिया लेंगे चॉप किया हुआ धनिया, पनीर लेंगे इसमें, चार से पाँच स्पून पनीर लेंगे और चीज़ लेंगे, चीज़ दो से तीन स्पून चीज़, उसमें से थोड़ा सॉल्ट मिक्स करेंगे, चिली पाउडर लेंगे आधा स्पून, आधा स्पून हल्दी पाउडर लेंगे आधा स्पून, थोड़ी सी लेंगे वाइट पेपर, वाइट पेपर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, फिर इसमें मिक्स करेंगे. इसको अच्छा तरीके से मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि इस सब वेजिटेबल को एक साथ में लेकिन मिक्स करना पड़ेगा. अब ये मिक्स हो चुका है अच्छा तरीके से. फिर मशरूम लेंगे. मैंने मशरूम को पहले से साफ करके रखा है मैंने. हाँ. उसका जो अंदर रहता है उसको मैं साफ करके से पहले से रखा है मैंने. ओके. फिर इसको अंदर भरेंगे. कि मशरूम कट नहीं करना है? नहीं, कट नहीं करना है, उसमें भरना है. ओके. इसको अच्छा से दबाएंगे क्योंकि गिर ना जाए वेजिटेबल. सो तुम्ही पहिलं असतलं की त्यांच्यानी मशरूम फुल कट करूंक ना, क्लीन केला आणि जस्ट जे स्टफ तयार केला ते त्यांच्यानी भरला भीतर. सो शेफ, ये स्टफ जो है वो हम आर्टिफिशियल कल्टिवेटर किया हुआ मशरूम से ही प्रिपेयर कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं. हमारा जो मशरूम मिलता नहीं, है इसमें से नहीं, उसमें नहीं. ओके, okay. वो बारीक रहता है, इसमें से नहीं होता है, इस तो मीडियम साइज चाहिए. सो हे जे डिश असा डबल डेकर मशरूम, हे फक्त तुम्ही आर्टिफिशियल कल्टिवेटेड मशरूमान
यूज करूनच करू शकता. आमचे सिजनल मशरूम जे मेळटा ते खूप बारीक असता. सो त्याच्याबरोबर हे डिश प्रिपेअर करप मातशें कठीण वतले. सो ताच्या खातीर तुम्ही आर्टिफिशियल कल्टिवेटेड मशरूमां तेच यूज करप. अभी मैंने फाइनली मैंने सब को स्टॉप कर रखा है. अभी हम लेंगे ब्रेड क्रम्ब लेंगे. ब्रेड क्रम्ब? हाँ ब्रेड क्रम्ब. ओके ब्रेड क्रम्ब लेंगे. उसके बाद लेंगे बैटर. इसमें से मैदा और कॉर्नफ्लावर मिक्स है. मैदा और कॉर्नफ्लावर इसको मतलब सेट करने के लिए और टाइट पकड़ने के लिए. ओके तुम्ही पहिलं असतले की त्यांच्यानी या वाटेन मैदा आणि कॉर्नफ्लावर घेतला आणि ते जे मशरूम स्टफ केल्ले असले ते तेथून बुडयला बाइंडिंग जावपाक आणि मागीर त्यांच्यानी ते ब्रेड क्रम्पान बुडयला. ये जो आइटम है इसका नाम है डबल डेकर मशरूम. सो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? उसका जो डबल डेकर मशरूम है इसमें डबल जाते हैं. मशरूम हो गया एक अगर वेजिटेबल. ओके इसमें से दोनों मिक्स होते हैं इसलिए डबल डेकर हम लोग किस बनाए. और आपने ये कहाँ सीखा? ये मैंने एक्चुअली मुंबई में था तो मुंबई में मैंने वो जब मैं काम कर रहा था उसका एक मैंने रेसिपी देखा था. हाँ. तो भी सही थोड़ा सा मन में देख के था इसके लिए मैंने इसको वहाँ पे ये किया था. मतलब मैं बना के टेस्ट किया था तो ऐसे ही हो गया तो सब लोग को उसको अच्छा लगा था. फिर मैंने इसको किया इधर आके मैंने ट्रायल किया. ओके नाइस. अभी ये हो चुका है हम लोग फाइनली. अभी हम ऑयल डालेंगे इसमें फ्राई करेंगे डीप फ्राई. सो ये हम डीप फ्राई करेंगे. अभी डीप फ्राई करेंगे. सो शेफ आपने जो ये स्टफिंग किया है उसके व्यतिरिक्त आप दूसरा कोई स्टफिंग इसमें डाल सकते हो? हाँ डाल सकते हैं. वेजिटेबल्स वगैरह इसमें से वो वेजिटेबल का चीज डाल सकते हैं. चीज को चीज मजरेला चीज आता है इसमें डाल सकते हैं चॉपिंग. ओके और वेजिटेबल्स? वेजिटेबल वो अभी बहुत सारा भी आइटम है वेजिटेबल में लेकिन इसमें जो आइटम हम लोग को जरूरत है उसमें से लिया लेकिन वो जो वेजिटेरियन डाल सकते हैं ये आइटम में उनका फ्लेवर अलग आता है. ओके सो तुम्ही पहिला असतले की त्यांच्यानी हंगा तेल गरम करपाक दौरलेले असा. आता नेक्स्ट पोया फिर इसको डालेंगे एक एक करके. ओके इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छा से. ब्रेड क्रम्ब के जगह पे और कोई चीज नहीं उसके लिए वही ब्रेड क्रम्ब ही चाहिए इसको. इसको ब्रेड क्रम्ब चाहिए. ब्रेड क्रम्ब चाहिए. तुमका खबर असतले की आता जोरदार पाऊस पडटा भायर आणि त्या निमतान सांच्या वेळार आमकां खूप कितें अशें खाव कशें दिसता. सो हो आयटम तुमी नक्की ट्राय करचो. सो शेफ हमें टर्न कर सकते हैं? नहीं ज्यादा इसको नहीं कर सकते वो इसका जो ब्लेड कम है वो गिर जाएगा. ओके इसको थोड़ा टाइट होने के लिए टाइम लगता है. ओके हे लक्षात दवरचे की चढूई ते पडतोप न्ही कारण तेका जो ब्रेड क्रम्प लागला तो सुटू शकता. सो ताच्या खातीर जाता तितले स्लो हितूरूच करप. सो आप ये जब रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं कस्टमर को तो आप कितने पीस डालते हैं उनको? 8 पीसेस. और कितना टाइम लेता है इसको? 10 से 15 मिनट लगता है क्योंकि इसको डीप फ्राई होने के लिए था ब्राउन आने के लिए इसको जो फ्राई कर. सो तुम्ही पळतात की ते बऱ्या तरेन तळलेले असा आणि माका खमखमीत असो वास सुटला. ऑलमोस्ट ते डिश झाले असा तयार. सो आपको कैसे पता चलता है कि ये डिश इधर तयार हो गया डीप फ्राई करने के बाद? ये डीप फ्राई मतलब गोल्डन ब्राउन होएगा तो ब्राउन डीप पूरा ड्रिप सब लेवल हो जाता है. ओके सो इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाता है. जेव्हा तुम्ही ही डिश हे स्टफ मशरूम स्टफ जेव्हा तेलात घालता त्यांना थोड्याच वेळात ही डिश काढप न्ही भितरल्यान स्टफ हे बाहेर काढप न्ही कारण भितरले जो स्टफ त्यांच्यानी मशरूमान घातला तो डीप फ्राय जावपाक जाय आणि भायल्यान गोल्डन ब्राउन दिसपाक जाय. अभी ये हो गया प्लेन. ओके गोल्डन ब्राउन हो गया.
सो तुम्ही पळता असतले की ऑलमोस्ट ती डिश रेडी झाली असता आणि त्याका एक वेगळ्याच तऱ्हेचो असो खमंग असो वास सुटला. सो तुमका खबर हा की द बेस्ट पार्ट ऑफ द डिश इज प्रेझेंटेशन आणि शेफ राजू पात्रोन ते ऑलरेडी हांगा केलेले असा. तुम्ही पळू शकता की कितले सुंदर तरेन त्यांच्यानी प्रेझेंट केला. सो आजचो जो आमचो डिश असा मशरूम डबल डेकर तो आम्ही आता प्रेझेंट करूया. शेफ इसलिए टूथपिक लेंगे. टूथपिक टूथपिक ये पेरी पेरी सॉस. ओके सो ये आइटम आप इसमें ये करके खा सकते. इसमें से थोड़ा शाइनिंग मारने के लिए ऊपर से मेयोनीज सॉस. ओके सो देयर इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ पेरी पेरी एंड मेयोनीज सॉस. ओके सो डिश रेडी असा. तुम्ही पळू शकता कितले सुंदर दिसता ते. थैंक यू शेफ. चला तर डिश रेडी असा. आता आम्ही टेस्ट करून पळूया. सो ही डिश तुम्ही पेरी पेरी अँड मेयोनीज ह्या सॉसान बुडवून सुद्धा खाऊ शकता. बेस्ट उत्तम प्रकारे ही डिश तयार केली असा थँक्स टू राजू पात्रो शेफ. तुमकां खबर असा की ह्या दिसांनी भायर खूब पावस पडटा आणि सांज वेळाचेर आमकां खमखमीत अशें कितें खावं कशें दिसता. सो ही डिश तुमी ट्राय करचीच आणि जर तर तो टेस्ट मेळना जाल्यार यू नो वेर टू विजीट. दॅट इज पेन अरोमा रेस्टॉरंट फोंडा. सो आमची पयली डिश रेडी असा. टेस्ट सुद्धा उत्तम असा. चला तर एक लहानसो ब्रेक घेऊया आणि पळूया आमची दुसरी डिश ती स्टफ क्रेब्स. ब्रेका उपरांत तुमकां सगळ्यांक परतून एकदा नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंसचो ब्रँड न्यू प्रोग्राम वॉट्स कुकिंग. ब्रेका पयलीं आमी पळयलें तें म्हळ्यार पयलो आयटम आमचो वेजान दॅट इज डबल डॅकर मशरूम आनी आतां पळोवया आमचो दुसरो आयटम दॅट इज इन नॉन वेज स्टफ क्रेब्स. शेफ अभी हम बनेंगे स्टफ क्रेब. ओके स्टफ के लिए पहले क्रेब जरूरत है. क्रेब को बॉयल करने के लिए हम लोग को ओवन में करना पड़ेगा. अपन तो नॉन स्टिक में करना पड़ेगा. ओके पहले से मैंने इसको किया. मैंने बॉल करके रख चुका है क्योंकि इसको पकने के लिए कम से कम आपको 20 मिनट लगेगा. 20 मिनट लगेगा. मैं बॉल करके उसका मीट निकाल के रख चुका है मैंने. ओके सो तुम्ही पहला की त्यांच्याने हंगा ऑलरेडी एक क्रेब्स घेतला आणि ते म्हणतात की हेका बॉईल करचे पडता. सो त्यांच्याने ऑलरेडी बॉईल करून दवरलेले असा. शेफ आप इसको बॉईल क्यों करते हैं? बॉल क्यों करते हैं कि उसका ना जो मीट टेस्ट बराबर पकना चाहिए. पकना चाहिए पक के उसका जो मीट बराबर आता है क्यों कच्चे में आएगा तो उसमें so, पूरी डिश करने के पहले आप पहले बॉईल करते हैं. सो ये लॉबस्टर वगैरह जो होता है वो भी ऐसे ही सेम टू सेम. ओके ओ हम सो बॉईल ना बट टेंशन नहीं. ऑलरेडी एक क्रेब्स आ तो बॉईल करून दवरलेलो असा. तुम्ही पळू शकता. तो आज के लिए इंग्रेडिएंट्स कौन से? तो इसके लिए जरूरत है बारीक चॉप कांदा. ओके टमाटर चॉप धनिया मिर्ची चॉप और अदरक जिंजर इसमें मिक्स है चॉप और थोड़ी सी अंडा चाहिए और क्रेप पहले से मीट
रखा है निकाल के, और किचन की चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर एंड धनिया पाउडर, सॉल्ट एंड नारियल पाउडर। नारियल की पाउडर, ओके। तुम्ही पळतात की बॉईल करून, क्रेप्स बॉईल करून त्यांच्यानी जो इनर मीट असा क्रेप्सचो तो ऑलरेडी त्यांच्यानी हंगा काढून दवरला। इसको सबसे पहले 2 स्पून ऑइल देंगे। चार से पाँच फूल चम्मच का चॉप ऑनियन लेंगे। ओके, एक जो दो में 3 स्पून टमाटर का चॉप लेंगे। एक स्पून मिर्ची, स्पाइसी जैसे चाहिए ऐसे मिर्ची, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं थोड़े, और एक स्पून अदरक का और लहसुन का चॉपिंग, लहसुन आणि आले। ओके, ज्यादा तेल नहीं डालना, नहीं ज्यादा तेल नहीं। इसे ऐड करेंगे अपना क्रेप का मीट, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, किचन किंग पाउडर, किचन किंग पाउडर, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नारियल पाउडर, धनिया की पत्ता, वे सब मिक्सिंग। कितनी देर तक करना है? 5 मिनट। तो ये जो मीट है वो इसमें ही पकना चाहिए। इसमें ही पकना चाहिए। ऑलरेडी हेज अ स्मेल खूप बरो येता। ही सुद्धा डिश खूप टेस्टी जावपाची असा। इसको एक प्लेट में ले लेंगे। 5 मिनट रख देंगे ठंडा होने के लिए। तुम्ही पाहू शकता की हे जे त्यांच्यानी स्टफ तयार केला ती भुर्जी कशी दिसता। एक भुर्जी शेफ म्हणटा की प्रिपेर करतकूत थोड्या मिनटा खातीर थंड जावपाक दवरप, डायरेक्टली गरम गरम असताना फुडें वळप ना। तो शेफ ये थंड हो चुका है, अभी ये करके रखा था, अभी इसको भरेंगे उसके अंदर। तुम्ही पळतात की क्रेप्सचो तो आउटर पार्ट असा तेतूर जे आम्ही स्टफ तयार केले ते शेफ भीतर भरतात। थोडीशी पहले इसमें रखा था अंडा रखा था, क्योंकि इसको तो रावत बराबर रखने के लिए चिपकने के लिए इसको हाँ। तो अंडा उठा लेंगे इसको। वाइट एग यूज़ करो? नहीं, वही वही एग वाइट, ये हो गया रावा हो गया। अभी ये चुन है। तो शेफ आपने तेल डालने के पहले ये इधर रख दिया,
क्योंकि जब अभी जो तेल डालेंगे उससे जो मसले है पहले वो छूट जाएगा, छूटने के बाद क्या वो नीचे सब गिर के सब अलग हो जाते हैं। सो पहले हमें पहले से थोड़ा सा हीट होएगा तो रवा थोड़ा कड़क होएगा तब तेल डालेंगे। बाद में तेल डालेंगे, एक स्पून तेल डालेंगे। शेफ, मैंने देखा कि आपने क्रेप्स के लेग्स डाले हैं, उसमें तो स्टफिंग वगैरह कुछ नहीं, इसमें है। इसमें तो जो स्टफिंग वगैरह नहीं है, लेकिन इसको जो अंदर रहेगा वो समुद्र रहता है, इसको नमक के साथ वैसा थोड़ा टच करेगा वो तो खा सकते हैं, ब्लैक पेपर है, नमक से। तो आप सर्व करते हैं तभी ये इसको, हाँ, इसको बराबर कर दे। सो आपने ये जो लेग्स डाले है क्रेप्स के, उनको कोई मैरिनेशन दिया है या ऐसे ही डायरेक्टली डाले? डायरेक्टली डाले। So, वो है सिर्फ उबाल के रखे हुए, उबाल के रखा हुए है इसको। So, कितने देर तक ये पकाना? 5 मिनट। So, the more important is, उसमें जो स्टफ डाला है वो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कोई आपका स्पेशल मसाला है या? नहीं, स्पेशल नहीं है, ऐसा ही है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा ही है। तुम्ही पळतात की आमचे दुसरे डिश स्टफ क्रेप्स ऑलरेडी तयार झालेले असा, हाचो सुद्धा इतलोच खमंग वास सुटला। आम्ही गोयकार आणि गोयकारांचे सगळ्यांक फेवरेट डिश म्हटल्यार नुस्तें, आणि नुस्त्याची सगळ्यांकूच आवड असतली। तातूंतले पळोवपाक गेल्यार क्रेप्स आणि शेलफिश मोस्टली लोक चड खावपाक वचना, कित्याक तर ही गजाल खाताना खूपशी मेहनत करची पडटा आणि आमच्या लोकांक फास्ट थिंग्स जाय। सो ही जी गजाल असा, हे जे डिश असा ते एकदम डिफरंट असा, ऑलरेडी तेतूंतल्यान मीठ भायर काढून दवरता आणि त्याच्या मागीर ते प्रेझेंटेशन करून वेगळ्या तरेन आम्ही स्टफिंग करून भितर भरून आमकां खावपाक मेळटा। सो हे डिश तुम्ही नक्की ट्राय करचे। चला तर पहिली आम्ही टेस्ट करूया। मस्त गेला डिश, सामके डिलिशियस लागता, टेस्टूय बरी असा। तुम्ही खऱ्यांनीच ही डिश घराकडे तयार करची, आणि जर तर तुमकां आणि बरो टेस्ट जाय जाल्यार तुमकां खबर असा की तुमकां खंय येवपाक जाय, दॅट इज पॅन अरोमा रेस्टॉरंट फोंडा हांगा। सो आयज तुम्ही पयले की आम्ही वेज आणि नॉन वेजान दोन असे डिश केले, पयले म्हळ्यार मशरूम डबल डॅकर आणि दुसरे म्हळ्यार स्टफ क्रेप्स। हे दोनूय डिश तुम्ही घराकडे तयार करात, टेस्ट करात आणि आमकां कमेंट सेक्शनात सांगात की कसो झाला तो। फुडल्या वीकान आम्ही अशाच तरेन दोन वेगवेगळ्या तरेची डिश तुमच्या मुखार दवरतली, तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट। थँक्यू।